आज के वीडियो में स्टील वायर ब्रश घर पर कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ एक जो स्टील ब्रश बनाने का है। ये जो ब्रेक का साइकिल का जो ब्रेक होता है उसका जो वायर होता है जो स्टील का, ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये ख़राब वाला है, ये ख़राब फेंक दिया था मैंने साइकिल स्टोर की दुकान से, फ्री में उठा के लाया है। आपको भी मिल जाएगा फ्री में कहीं भी, नहीं तो गाड़ी का क्लच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जो नट बोल्ट है उसके दो वाइसर, 3 इंच का नट बोल्ट ले लिए हैं और ये दो वाइसर, और बाद में 10 रुपये का एम सील। बस इतना ही काम लगेगा, आप उनको इतना ही सामान लगेगा और इसी से काम चल जाएगा। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस केबल को और एक प्लाई की कटर, क्योंकि इसे काटना है, इस केबल को थोड़ा थोड़ा काटना है। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैंने इसमें सा ये जो केबल है वो निकाल लिया है बाहर। ये देखिए ख़राब वाला, ये फ्री में मिल जाता है साइकिल की दुकान पे। ख़राब वाला लेने का अगर ख़रीद भी लिया तो 10 या 20 रुपये का मिल जाएगा, शायद 20 रुपये से ऊपर नहीं आएगा। तो चलिए हम इस कैसे बनाने का वो ब्रश स्टील का वो भी मैं बताता हूँ। तो फिलहाल ये जो वायर है, ये जो वाइसर है बड़े वाला, ये देखिए एक कितने का है, कितना इंच है वाइसर। फिलहाल 1 इंच का वाइसर है तो 1.5 इंच हमें इसके 1.5 इंच के टुकड़े करने हैं। देखिए प्लाई की सहायता से ही, देखिए कटर की सहायता से या प्लाई की सहायता से ही, देखिए मैंने कुछ इस तरह से उसके काट दिए हैं। ये देखिए बहुत सारे मैंने यहाँ पे इसके पीस काट दिए, कम से कम मैंने 30 पीस काट दिए हैं, वो भी आपको आगे पता चलेगा 30 क्यों काट दिए हैं। तो चलिए अब हम ये जो एम सील है, इस एम सील की दौरा इस नट बोल्ट को कैसे लगाएंगे वो भी बताता हूँ मैं। तो ये देखिए ये नट बोल्ट है और वाइसर, ये एम सील, इस एम सील को हम दोनों एक जगह पे करके, ये जो तार है, ये तार के टुकड़े है जो 1.5 इंच के मैंने काटे हैं इसको लगाऊंगा मैं। फिलहाल देखिए जो एम सील है कुछ इस तरह से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप भी ऐसे ही लगाने का। और जो मार्केट में मिलता है वो 200-250 रुपये का मिलता है ब्रश, आप उसको फ्री में 10 या 20 रुपये में बना सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से लगाएंगे, पूरे लगाएंगे, पूरा राउंड लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसे आप लगाओ। ये 1.5 इंच के जो स्टील के वायर मैंने जो काटे हैं वो लगाए मैंने, एक राउंड मेरा पूरा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसके ऊपर और थोड़ा सा एम सील लगाएंगे ताकि वो पैक हो जाए। ये देखिए लगाए हैं, और मैं दूसरा लेयर करने जा रहा हूँ, दूसरा राउंड। तो देखिए पहले में मैंने 15 लगा लिए हैं, पूरे 30 पीस है मेरे पास। ये देखिए दोनों के बीच में लगाऊंगा, इस दोनों के बीच जो पहले लगाए उसके बीच में एक एक और ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ये देखिए 1.5 इंच के एक समान काटनी चाहिए टुकड़े, तभी अच्छा ब्रश बन जाता है अपना। तो चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं। फिलहाल मैंने उसको पूरा कर लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा एम सील और लगाऊंगा मैं। फिलहाल देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इसके ऊपर और थोड़ा सा एम सील लगा लेता हूँ मैं। ये देखिए कुछ इस तरह से अब एम सील लगाऊंगा। ये देखिए अब इसके ऊपर मैं जो वाइसर है वो रोक लूँगा। ये देखिए वाइसर की साइज़ कुछ इस तरह से है, थोड़ी सी अंदर झुके वाली खड्डे वाली बने वाली है। ये देखिए बस ऐसा ही वाइसर लेके आने का,
ताकि उसके ऊपर दबाव पड़ सके। ये देखिए, और ऊपर से ज़ोर से दाब देने का, उसको दबा देने का, थोड़ा सा दबा देने का, बाद में ये हमसिल जो भी है बाहर निकल आएगा। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा बाहर आ चुका है ये हमसिल, उसको सही करेंगे और उसके ऊपर ये नट बोल्ट आप टाइट करेंगे। ये देखिए, दो स्टूल का इस्तेमाल करेंगे, एक नीचे लगाएंगे पाना और ऊपर एक लगाएंगे। 11 नंबर की चाबी से हम उसको टाइट करेंगे। फिलहाल ये देखिए पूरा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है ये, आप भी फ्री में ही बना सकते हैं, बस 10-20 रुपए खर्चा आएगा उसको। तो चलिए अब उसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। 2 घंटे के बाद मैं आपको मिलूँगा, आप इसको सूखने देंगे। जैसे ही सूख जाएगा बाद में देखेंगे। तो चलिए सूखने के बाद में आ चुका हूँ यहाँ पे, देखिए ये देखिए पत्थर से जैसा बन चुका ही है, ठीक है, अब नहीं निकलेगा इससे बाहर। तो चलिए अगला स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे इसमें तार होते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में अगर उसको हमने ऐसा घुमा लिया है, ऐसा घुमा लिया तो उसके ब्रश के जैसे पूरे तार बाहर निकल आते हैं। ये देखिए, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए, बस ऐसे ही आप सबको करने का है। देखिए लेफ्ट साइड घुमाने का, जो बारीक बारीक तार से बने वाला तार बन जाता है, ये केबल बन जाता है, इसमें अगर आपने ढेर सारे लगा लिए तो उसको बस लेफ्ट साइड में सभी को घुमाने का। और देखिए ये ब्रश बन जाता है गोल जैसा, जो बाज़ार में मिलता है 200-300 रुपए का मिल जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए फ़िलहाल तो मैंने सब बना लिए हैं, ये देखिए, ये देखिए वो जो बाज़ार में मिलता है वो ऐसा ब्रश होता है, ये देखिए अपना ऐसा ही बन गया है। ये 10 या 20 रुपए में बन चुका है हमसिल, बस थोड़ा सा नट बोल्ट है। ये देखिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसकी हम ट्राई करते हैं। इससे पहले ये देखिए, ये 12 वोल्ट डीसी पे चलने वाली ये जो ड्रिल बनाई मैंने, इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगाने का, यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड भी है। तो ये कैसे मैंने ड्रिल बनाई, कैसे नहीं, अब जाके वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको चालू कर देते हैं। ये देखिए 12 वोल्ट, और ये देखिए बैटरी है, ये जो 12 वोल्ट की बैटरी आती है, ये भी मैंने खुद घर पे बनाई है, गए वाली बैटरी थी, स्प्रे पंप की बैटरी थी, इसके वो मैंने बना लिया है। इसका मैं कहीं और अगले वीडियो बनाऊंगा मैं। तो फिलहाल हम लगाने जा रहे हैं, देखिए ये प्लस को प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे दूसरा माइनस को लगाऊंगा। तो हम इसके ऊपर ही अब लगा के देखेंगे वो जो हमने बनाया है ये जो ड्रिल। तो चलिए उसको चालू करके देखते हैं। देखिए ये घूम रहा है, बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है। ये देखिए ये बंद हो चुका है, घूम रहा है, ये देखिए। तो चलिए हम उसको ये जो ब्रश बनाया है मैंने ये लगा के देखेंगे, वाकई ये काम करता है या नहीं करता है देखेंगे। ये देखिए इसकी चाबी से हम उसको टाइट कर देंगे। तो चलिए 12 वोल्ट के ऊपर इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल भी घिस लेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा काला डाग है वो भी निकाल के देखेंगे, वाकई ये निकलता है या नहीं देखेंगे। हाँ ये निकल चुका है, ये देखिए सफ़ेद हो चुका है। तो चलिए कोई लोहे का चीज़ लेके उसको घिसाएंगे। ये देखिए ये जो पाना मैंने चेन का पाना बनाया है पिछला, अगर ये मेरा वीडियो आपने नहीं देखा तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। ये मैंने बस 10-20 रुपए में बनाया है चेन पाना। तो चलिए यहाँ पे जंग लग चुका है, तो ये जो जंग लग चुका है इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये निकलता है या नहीं है। तो चलिए हम इसके जंग निकालने की कोशिश करेंगे इस ड्रिल की सहायता से। आप भी अपने घर पे ऐसे बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, अगर नया उसको मैं कलर करने जा रहा हूँ तो नया दूसरा कलर लगाऊंगा, पहले इसको जो पहले वाला कलर है इसका ब्लू वाला कलर वो निकालूंगा मैं, इसको काला कलर मैं लगाने जा रहा हूँ।
ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है, ये देखिए घंटों का काम बस मिनटों में भी इससे हो जाता है। तो चलिए ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बस कुछ ही सेकंड में ये देखिए निकल चुका ही है। तो ये हम कर सकते घर के अंदर, आप खुद भी बना सकते हो। तो फिलहाल और देखते एक बार, ये देखिए चाहे सीधा चलाओ इसको, आड़ा चलाओ या टेढ़ा चलाओ, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहा है ये, ये देखिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है, आप उसको घर पर बना सकते हो, वो भी फ्री में, 10-20 रुपए ज़्यादा खर्चा आएगा। ये देखिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बहुत ही शानदार है ये, आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हो, वो भी फ्री में, बस 10 या 20 रुपए में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।